इंडिया जो है जो देखें एक मैंने कहा ना कि वहाँ से खिंच के यहाँ सिचुएशन अजीब हो जाएगी क्या आप यूरोप की और वहाँ की जंगों को अगर यहाँ लेकर आते अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिन मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ वोट नहीं दिया उसमें जो है वो इंडिया भी है भारत इस मामले में उस जगह पे आकर खड़ा हो गया जो तो दुनिया ने नहीं सोचा था 104 सो देशों के खिलाफ जाकर भारत ने इसराइल आपको एक बात बताऊ डायरेक्ट ईरान पे हमला होता है तो इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस ये तो टारगेट एक ही है कि कि इसी हमें ना इन्वॉल्व किया जाए इस जंग के अंदर या हमें ना एंगेज किया जाए वो कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन है प्राइम मिनिस्टर तो मोदी सपोर्ट कर रहे हैं नतनयाऊ को वहां पर ईरान ने कुछ मुस्लिम देशों को धमकी दे दी है धमकी में शामिल हैं सऊदी अरब कतर जॉर्डन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जब 104 देशों ने इसराइल के अगेंस्ट एक चिट्ठी लिखी और इंडिया को भी कहा कि चलिए यहां पर इस नंबर को 104 से बनाते हैं 105 इंडिया को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए इंडिया ने पोलाइटली बना कर दिया इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट ये लेटर साइन नहीं किया और... जो है ईरान की क्या पोजिशन है विद इंडिया क्योंकि ईरान अमेरिका की पाबंदियां भी हैं है अच्छा वो परवाह नहीं करते अमेरिका इंडियन अमेरिकन की हम तो हाथ रहते रहते हैं, रहते हैं। डरते ईरान अगर टारगेट किया जाता है तो आपको पता है पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और वो हिस्ट्री ये रही, रही है कि हम ये समझते रहे हैं कि इंडिया और इसराइल जो है वो मिलके पाकिस्तान पे ऊपर हमला करेंगे या पाकिस्तान की मिलिट्री साइट्स पे हमला करेंगे अगर नहीं तो है हमारे जो उम्र बैठे हैं क्यों नहीं पे ये हमला करते हैं इन मुसलमाल को ये गलत फैमी है, है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे फिजिकल अटैक नहीं करा है बहुत जबरदस्त साइबर अटैक हो गया है नमस्कार दोस्तों जय हिंद एक बार फिर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी भी दबाव में आकर अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता चाहे वो रशिया हो और चाहे वो इसराइल हो इसराइल के खिलाफ आए बिल को 104 देशों को धर किनार करते हुए भारत ने इसराइल का साथ दिया जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है ये प्रस्ताव यू जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस के इसराइल क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ लाया गया था एक देशों ने इस पर साइन किया था और इसराइल द्वारा गुटरेस पर लगाए प्रतिबंध की निंदा की यू जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरस पर इजरायली प्रतिबंध के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया इसे ब्राजील कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका युगांडा, इंडोनेशिया स्पेन गुआना और मेक्सिको ने समर्थन दिया कुल 104 देशों ने इस पर साइन किया जिसमें से यूरोप से लेकर अफ्रीका देशों के साथ साथ ग्लोबल साउथ के भी कई देश शामिल थे इस प्रस्ताव को इसराइल ईरान लड़ाई में शामिल किसी भी देश का समर्थन के तौर पर नहीं बल्कि यू के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा था ऐसे में भारत का रूप अहम हो जाता है दोस्तों बड़ी परेशान कौन सिचुएशन है मिडल ईस्ट के हवाले से जहाँ पे इसराइल ये कह रहा है कि हम ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमले कर सकते हैं अगर इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करता है और उससे पहले वो यूएन के जो लोग हैं उनके ऊपर भी हमले कर रहा है जिन्हें यूनाटेड नेशन टम फोर्स इन लेबनान यूनिफिल कहते हैं बहुत सारे जो ममालिक हैं वो इकट्ठे होके इसराइल को कह रहे हैं कि इफ़ यू विल विल डू सो दिस विल बी अ वॉर क्राइम इानियंस बड़े बिजी हैं परेशान हैं और वह तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक को एक ही बात कह रहे हैं कि इन केस अगर उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई आ, तो ईरान जो है वो आ, आपको भी टारगेट करेगा इसमें बड़ी क्योंकि देखें एक बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त अमेरिका की जो फौज है वो मिडल ईस्ट में मौजूद है इसके पहले इसराइल सिर्फ गज़ा पे जो उसने एक हमला किया और वहाँ पे अंदर घुस गए और उन्होंने तकरीबन कहा जा रहा है कि सत्तर अस्सी फीसद गजा जो है वो कम्पलीटली तबाह हो चुका हुआ है यहाँ पे आके पता चलता है कि मजबूत फ़ौज किसे कहते हैं अगर आपकी मजबूत फ़ौज ना हो तो जाए चेक करें फलस्तीन के लोगों से पूछें गजा के लोगों से पूछें लेबनान के लोगों से पूछें सीरिया के लोगों से पूछें इराक के लोगों से पूछें कि मज़बूत फौज ना होना कितनी बड़ी किसी मुल्क के लिए तकलीफ हो सकती है जिसमें आपकी हकूमत आपको डिफेंड ही नहीं कर सकती आज भारत की फौज मजबूत है पाकिस्तान की चाइना की तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं बिकॉज तीनों को पता है कोई एक जिस पे हमला करेगा इंडिया पाकिस्तान को पता है इंडिया चाइना को पता है अमेरिका चाइना को पता है कि जब भी जिस पे हमला किया जाएगा तो वो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं डिटेरेंस मेंटेन की हुई है सुनने में क्वेश्चन ये है कि इसराइली कहते हैं जी कि लेबनान के अंदर हर घर जो है वो दहशत गर्दों से बड़ा पड़ा है वहां पे स्नाइपर राइफल्स पड़ी हैं बंदूकें पड़ी हैं रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं हम पे जो है वो हमले किए जा रहे हैं और साथ ही इन्होंने अब ये जो चीज है एंड एंड ले, लेबनान के ना डिफेंड इट लेबनान अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता ठीक है जी अब देखिए ना इसराइली फौज कहती है कि तकरीबन तेईस जो लेबनानी विलेजेस है उनको कहते हैं इनकोट कर दें इंडिया की फौज पाकिस्तान आके कहे कि ये पचास गांव खाली कर दें तो कैसा लगेगा इसलिए मज़बूत फौज चाहिए मज़बूत फौज चाहिए ताकि वो आपको डिफेंड कर सके मैं तो जब ये देखता हूँ कि ये जो जो इसराइल कर रहे हैं इनके साथ मतलब एटलीस्ट ये खुशी होती है पाकिस्तान की फाइनेंशियल चैलेंजेस जरूर हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़रूर है लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं है कि हमें कोई दूसरा आके तो नहीं मार सकता आपको ये तो नहीं कह सकता कि अब आप, आप अपने घर में हमारी मर्जी से रह सकते हैं हम अपने घरों में बैठे हैं बिकॉज हमें पता है हमारी फौज हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारी पुलिस हमें प्रोटेक्ट कर रही है ये चीज़ें हैं बहर ये जो अब अब प्रॉब्लम क्या है अब देखिए प्रॉब्लम पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं वो बड़ी परेशान हैं गल्फ स्टेट इसलिए परेशान हैं कि गल्फ़ स्टेट सारी अमेरिका के पास उनके पास भी कुछ हल नहीं है सिर्फ तेल ही तेल है और इतना कुछ इतनी अमारत है इतना पैसा है इतना कुछ है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ठीक है सो इफ यू वांट पीस बी प्रपेर फॉर वॉर अमन चाहते हो तो जंग के लिए तैयार हो जाओ और यही चीज है कि अब गल्फ स्टेट्स अमेरिका के पीछे चले गए हैं और अमेरिकन को कह रहे हैं हमारी मदद करो वरना ये हमें ले जाएंगे वो कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं छोड़ना हमने किसी को भी नहीं छोड़ना हमने सबको ही मारना इजरायली कहते हैं अमेरिकन वहां पर मौजूद हैं हैं कह रहे हैं कि अरब जिनको जारी बाता पैसे है पैसे देख के सिक्योरिटी है ठीक है जी ईरान इज लाइक स्ट्रेस्ट प्लेस अब ईरान की अगर न्यूक्लियर साइट पे हमला हो जाता है ठीक है तो ये आप देखें कि फिर कुछ भी नहीं बचना ईरान की वो न्यूक्लियर साइट क्या है कैसी है डायरेक्ट अफेक्टिंग तो हम हैं यहाँ पे पाकिस्तान की एयरफोर्स को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए और वो एक्टिव इसलिए होना चाहिए कि ये ना हो कि वो अनजाने में हम पे हमला कर दें देखें आपको पता है पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो क्यों नहीं बनने दिए जाते या क्यों उन पे सेंक्शन आए रोज लगती हैं ठीक है क्यों लगती हैं सेंक्शनस इसीलिए है सेंक्शंस लगती हैं ठीक है जी कि भाई ये ये ना हो कि ये किसी जंग में इस्तेमाल हो जाए इनकेस ईरान अगर टारगेट किया जाता है तो आपको पता है पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और वो हिस्ट्री रही ये रही है कि हम ये समझते रहे हैं कि इंडिया और इसराइल जो है वो मिल के पाकिस्तान पे ऊपर हमला करेंगे या पाकिस्तान की मिलिट्री साइट्स पे हमला करेंगे ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है लेकिन अब इसराइल जो है वो हमला कर देता है और वो कहाँ पर हमला करता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं अगर पाकिस्तान पर हमला होता है किसी पाकिस्तान के इलाके पर उनकी कोई आगे बॉम्ब गिरते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं समझता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए तो दोस्तों वहां पे ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो गया है और लोग कह रहे हैं साइबर इस अटैक इसराइल ने करा है उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे फिजिकल अटैक नहीं करा है बहुत जबरदस्त साइबर अटैक हो गया है उनकी ऑयल फैसिलिटीज पे, पे, पे उनके जुडिशरी पे उनके एग्जीक्यूटिव पे उनके लेजिस्लेचर पे सब पे एक एक करके इसराइल ने साइबर अटैक कर दिया है ईरान के सारे सिस्टम्स डाउन हैं और ईरान में खलबली हो रही है ईरान को ऐसा लगता था कि क्योंकि चाइना की मदद से उन्होंने ऐसी फायर बनाई हैं और ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हैक नहीं हो सकता यह पहली बार नहीं है पहले भी इसराइल दो तीन बार इन पे साइबर अटैक कर चुका है लेकिन इस बार का जो साइबर अटैक है इसराइल का दोस्तों दैट इज मैसिव